दोस्तों, आलिया ने पिछले दिनों बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। इस दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में स्टेज से रणबीर कपूर को आई लव यू कह दिया था। आलिया और रणबीर एक दूसरे को करीब एक साल से डेट कर रहे हैं। आलिया ने हाल ही में फिल्म फेयर में इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उन्होंने रणबीर से अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। फिल्म फेयर से बात करते हुए आलिया ने कहा कि वह रणबीर के साथ अपने रिश्ते को दोस्ती के रूप में देखना पसंद करती है। उन्होंने कहा, यह एक रिश्ता नहीं है, यह एक दोस्ती है। इस बात को पूरी ईमानदारी से कह रही हूँ, यह एक खूबसूरत रिश्ता है। मैं भी सितारों और बादलों पर चल रही हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि हम दो व्यक्ति हैं जो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यह ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ आप एक साथ लगातार हमें नहीं देखेंगे। यह एक आरामदायक रिश्ते की असली निशानी नजर न लगे। वास्तव में रणबीर मेरे शानदार दोस्त। वह रणबीर कपूर को कैसे हैंडल करती है? इस सवाल के जवाब में आलिया ने कहा, वह मुश्किल इंसान नहीं है, वह रत्न है। रणबीर के अतीत के सवाल पर आलिया ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा होता है और किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाल ही में आलिया की मां सोनी राजदान ने दोनों के रिश्तों को लेकर एक इंटरव्यू में बात की। उन्होंने कहा था, आलिया ने रणबीर जैसा अच्छा लड़का ढूंढा है, अगर वह खुश है तो मैं भी खुश हूँ। दोस्तों, ऐसी ही और चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।